तो क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों, जैसा आपसे मैंने वादा किया कि अब की बार 90 पार्क जो मैंने बच्चों को कोचिंग में, ठीक है, देख लीजिएगा, कोचिंग में जो मैंने बच्चों को तैयार कराया था ना, IMP क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनको आपको ये सुबह पेपर में देखने के थोड़े से 70% चांस रहेंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करके एक बार इन्हें जाइएगा। चलिए अपन है ना, ये सही विकल्प रिक्त स्थान तो अगले वीडियो में देखेंगे। ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बच्चों को कोचिंग में कराए हैं, अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग है उनमें, तो एक बार आप इनको जरूर लगा के जाइएगा परीक्षा हाल में जाने से पहले, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, यहाँ से हो जाएगा 7/8 बराबर हो जाएगा 0.875, दशमलव के रूप में करना है। यदि हम बात करें 10 का 3 से भाग देना है तो भाग दोगे आप, तो कितना 3 3 9 3 9 3 9 3 9, ये आपका अशांत दशमलव प्रसार रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, इन दोनों को जोड़ना है बेटा, तो ये जोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखो, आपस में यहाँ पर जोड़ोगे ना इनको, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये करनी 2 के साथ ये करनी 2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो 2 और 1 बचेगा 3, यहाँ से करनी 3 कॉमन आ जाएगा, 5 - 3 बचेगा यहाँ पर, तो आंसर आपका ये यहाँ पर ऐसा निकल कर आएगा। बढ़िया से कंप्लीट करना बच्चों, है ना, ये आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो मैंने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में, देखिए, ठीक है, आप पहली बार बेटा 9वीं में हो ना, अपन हर साल 9th पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सुबह परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये कोई रियल पेपर का नहीं बेटा, है ना, ये क्या है, हमारे द्वारा जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता ना, और बड़ी रिसर्च के बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। देखिए IMP चीज से तो पेपर बनाया जाता है, इतना तो आप खुद समझदार है ना बच्चों, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिएगा, ये जो चैनल है आपका चैनल है बेटा, इस पर आपको ऐसी चीजें ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अब की बार 90 पार, हमारा मिशन क्या है, अब की बार 90 पार, ठीक है। कार्तीय दल में बिंदु हो, और यहाँ पर देख लीजिए स्थान निर्धारित करना, ये क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में यहाँ पर बच्चों को कराया था मैंने, वहाँ पर उनको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे ना, वही पेपर आपको दे रहा हूँ बेटा, ये देख लीजिएगा, यहाँ से इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसकी भुज और कोटि बताना है। देखो भुज किसे कहते हैं, आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को अपन कहते हैं कोटि, तो भुज हो गया 8 और कोटि हो गया -5, हो गया इतना। कार्तीय तल, ये देख लीजिएगा, कार्तीय तल का जाएगा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम से, कलम की कीमत से दुगनी है, तो ये आप देख सकते हैं यहां से हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये देख सकते हैं के का मान आगे वाला है ऐसा, इस तरह का, ठीक है बच्चों। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं बेटा ये, ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो, ऐसा करो, है ना, अगले वीडियो में मैं डिटेल आप कहोगे तो डिटेल बता दूंगा, क्योंकि समय कम है आपके पास बच्चों, है ना, हमारे बच्चों को जिनको अच्छे नंबर प्रोवाइड करना, एक बार आप ये खास चीज़ें बता रहा हूँ, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं उठा के बता दी, ठीक है बेटा। अनुभव जो अपन कोचिंग पढ़ाते हैं ऑफलाइन कोचिंग, हर साल का अनुभव रहता बेटा, है ना, जो उन बच्चों को बताया जाता है वही चीज़ आपको बताई जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, सुबह 100% चांस रहेंगे इनके आने के, 100%, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन, ये यहाँ से रहेगा अथवा वाला, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा बेटा, ना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, आप तो आके थोड़ा बहुत मिलान करना, भले इनमें से कितने सारे क्वेश्चन आए, बड़े बड़े ही सेलेक्टेड क्वेश्चन और IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप, पूरा सोल्यूशन के साथ, जो बच्चों ने कॉपी तैयार कराई थी ना मैंने उनको, वो कॉपी का यहाँ पर मैंने PDF बनाकर आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है ये, यहां से देख सकते हैं इतना हो गया। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, बढ़िया से कंप्लीट करना ना। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, बढ़िया से, है ना, वही चीज़ें पढ़ोगी जो एग्जाम में थोड़ी बहुत आई भी सही, तो खास खास चीज़ें पढ़ने का समय बचा है हमारे पास। देखिए मैं जानता हूँ ये पूरे का पूरा क्या 70, 75 का 75 का पूरा थोड़ी आएगा, 30 नंबर तक 20 नंबर तक 30 नंबर तक भी फंस जाता है एक वीडियो से, तो बढ़िया है, एक बार देख लो आपको आते हैं या नहीं आते, ये क्वेश्चन नहीं आते तो सोल्यूशन भी साथ में एक बार लगा के चले जाओ, है ना।
दोस्तों को जरूर भेज दीजिएगा बेटा, ना मैंने कहा है ये, क्योंकि मेरा क्या उद्देश्य है, अब की बार 90 पार। हमने जिस तरह 10th क्लास वाले बच्चों को IMP क्वेश्चन बताए थे और वही क्वेश्चन फंसते थे अधिकतर, क्योंकि बेटा यार देखो ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप खुद जानते हैं इतने कुछ समझदार हैं आप ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पूरी प्रश्न बैंक से आपके पेपर बनाया जाता है। चलिए तो अपन शुरू करते हैं, अगले वीडियो में अपन ना पूरे सही विकल्प रिक्त स्थान बता दूंगा। चैनल पर आप तो पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, है ना। इस चैनल पर आपको खास खास चीज़ें बताई जाएगी एग्जाम से रिलेटिव।